लेकिन इस तरह का इतना जल्दी उनका रंग चढ़ गया आरएसएस का इनके ऊपर, अजूब है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे चुनावी रंग और ज़्यादा गहराता जा रहा है। आपको बता दें कि बयानों में जिस तरह की बातें सामने नजर आई, हालांकि अब से पहले अगर 5-6 चुनाव को देखें तो जिस तरह की बातें और जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगते थे, हालांकि उस तरह के आरोप प्रत्यारोप तो नहीं लग रहे हैं, लेकिन बयानों में इस तरह से सोफेस्टिकेटेड तरीके से जो बातें रखी जा रही है और दोनों ही पक्ष से रखी जा रही है, वो कहीं ना कहीं बड़ी असरदार होती हुई नज़र आ रही है। आपको बता दें कि 2 चरण के चुनाव के बाद 3रे चरण का गहमागहमी बढ़ गया है और दोनों ही खेमे से, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो या फिर एनडीए गठबंधन हो, दोनों खेमे से जो दिग्गज हैं वो लगातार चुनाव प्रचार करना शुरू कर चुके हैं। और एयरपोर्ट पे आप जाइए तो पूरा का पूरा बिहार आपको वहीं नजर आ जाएगा। जितने भी राजनीतिक दल के नेता हैं, दिग्गज से लेकर के छोटे से बड़े नेता, सभी एयरपोर्ट पे आपको मिल जाएंगे और रोज आपको कई हेलीकॉप्टर विभिन्न क्षेत्रों में उड़ते हुए नजर आ जाएंगे। ये हेलीकॉप्टर और उसके साथ साथ बयानों के जो तीखे बाण हैं वो भी लगातार उड़ रहे हैं। आपको बता दें कि इन बयानों में पिछले 2 दिन से शांति नजर आ रही थी, लेकिन आज से फिर बयानों का तीर चलना शुरू हो चुका है। इसी क्रम में आज तेजस्वी यादव ने एक बड़ा बयान दिया है और इस बयान में उन्होंने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। इस खुलासा को आप भयंकर खुलासा भी कह सकते हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव ने जो बातें कही है और मीडिया ने जो उनसे सवाल पूछा, उस सवाल के जवाब में जिस तरह की बात उन्होंने कही, उस बात से आने वाले कुछ घंटों में बिहार की राजनीति में उबाल आ सकता है। हालांकि इसकी प्रतिक्रिया भी क्या आएगी, हमने अपने रिपोर्टर को अलर्ट मोड पर रखा है कि जैसे ही तेजस्वी यादव के इस बयान पर कोई प्रतिक्रिया आती है, आप तुरंत उस पर रिएक्शन लें। आपको बता दें कि जिस तरह से अमित शाह के आगमन से ठीक पहले तेजस्वी यादव ने कई तरह के हमले किए हैं, और आपने देखा होगा कि अब तक जितनी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं, अपने सवालों के साथ तेजस्वी यादव खड़े रहे हैं। बड़े बड़े दिग्गजों के सामने तेजस्वी यादव अकेले मैदान में डटे हुए हैं, जहाँ उनका सहयोग मुकेश सहनी कर रहे हैं। बीच बीच में आपने देखा होगा कांग्रेस के तरफ से भी कुछ नेता हाजिर हो जाते हैं। आज भी जब एयरपोर्ट पर पहुंचे तेजस्वी यादव तो उनसे पत्रकारों ने कई सवाल पूछे, उन सवालों के जवाब में उन्होंने बड़ा ही सोफेस्टिकेटेड जवाब दिया और जवाब था जीतन राम मांझी से जुड़ा हुआ। जीतन राम मांझी से जुड़े हुए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जीतन राम मांझी पर इतना जल्दी आरएसएस का रंग चढ़ जाएगा, मुझे ये पता नहीं था। खैर, उनको मुबारक हो। और इस बात को लेकर के उन्होंने इशारा क्या किया है, इशारों में उन्होंने बहुत सारी बातें कह दी है। आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में यह बयान कहीं ना कहीं अब भूचाल की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जीतन राम मांझी पर दिए गए यह बयान कहीं ना कहीं हिंदुस्तानी आवाम पार्टी को नागवार जरूर गुजरेगी, क्योंकि हिंदुस्तानी आवाम पार्टी हमेशा आरएसएस की पैरोकार नहीं बल्कि उसके विरोधी रही है। आरएसएस को लेकर के कई तरह की बातें जीतन राम मांझी कहते रहे हैं, और अब उसी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के जो एजेंडा है उसी के तहत एनडीए का हिस्सा बने हुए हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि जीतन राम मांझी इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं या हिंदुस्तानी आवाम से क्या प्रतिक्रिया आती है। लेकिन जिस तरह से अपने बयान को रखते हुए तेजस्वी यादव ने माहौल गरमाया है, वो आपको सुनना चाहिए। सुनिए क्या कह रहे हैं तेजस्वी यादव। तेजस्वी जी, जीतन राम मांझी कह रहे हैं, तेजस्वी जी जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि अगर आप लोगों की सरकार बनेगी तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे बांटने का काम करेंगे, देश को बांट देंगे। आप उसी रंग में हो गए, अब क्या बताएं। हमारी पूरी शुभकामनाएं हैं उनको, लेकिन इस तरह का इतना जल्दी उनका रंग चढ़ गया आरएसएस का इनके ऊपर, अजूब है। तेजस्वी सोशल मीडिया बहुत ही बढ़िया माहौल है और बिहार में एक बार चौंकाने वाला रिजल्ट हम लोग देंगे। और सारण तो हम लोग जीत ही रहे हैं, लेकिन बिहार में कांग्रेस के चुनाव भी हुए हैं, उसमें भी हम लोगों की जीत हुई। प्रधानमंत्री जी ने केवल बिहार को ही नहीं बल्कि पूरे देश के लोगों को ठगने का काम किया, तो खास तौर पे बिहार के साथ में पक्षपात किया, सौतेला व्यवहार किया, उसका जनता जो है पता नहीं। 40 में 40 सीट का दावा प्रधानमंत्री ने किया है तेजस्वी जी, 40 में 40 सीट का दावा। उनका टंग स्लिप हो गया, 40 हार रहे, हारना बोल रहे थे, गलती से बोल रहे थे, जान रहे हैं। और उनको बार बार ये बताने की जरूरत नहीं,
जनता मालिक है, जनता चुनती है, ना कि प्रधानमंत्री जो आंकड़ा बोलेंगे वो होगा। कह रहे हैं कि जीरो पे आउट हो जाएंगे, जीतने वाले हारने वाले लोग हल्ला ज्यादा करते हैं जीत का। वही तो झूठ बोलो, जोर जोर से झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो कि सच बोलने वाला भी घबरा जाए। वही काम प्रधानमंत्री जी करना चाहते, लेकिन कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़। राजनाथ सिंह कह रहे हैं कांग्रेस डायनासोर की तरह खत्म हो जाएगी। तेजस्वी जी, पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।